तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वह काबुल पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है और वहां के जो नागरिक हैं, अफगानी नागरिक हैं, वो इस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। उनमें तरह तरह के जुल्म भी सामने आए हुए हैं। आपको कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे, कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ के घटनाक्रम को स्थापित करते हैं। इसके साथ ही OIC ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी करता जा रहा है। तालिबान अब नए राष्ट्रपति बनाने की कोशिश करेगा जो कि एक नया राष्ट्र वहां पे घोषित होगा और नए नियम कानून वहां पे बनाए जाएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। उनका कहना था कि मैं रक्तपात नहीं चाहता हूं, खून खराबा नहीं चाहता हूं, क्योंकि उनकी आर्थिक दृष्टि और सैनिक बल बहुत कम थे जो कि वह खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए देश छोड़कर वह जा चुके हैं। इसके साथ ही तालिबान अमेरिका से समझौता करने के बाद तालिबान काफ़ी तेज़ी से टेररिस्ट के जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता आया हुआ है। तालिबान ने अमेरिका से समझौता करने के बाद जुर्म की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से अपने कदम बढ़ाता जा रहा है और इसके साथ ही वह राजधानी काबुल में अपना अफरा तफरी का माहौल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कि वहां के लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। कल की सुबह का कुछ ऐसा मंजर था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखा गया कि जिस पर वहाँ के लोग चढ़कर प्लेन पर भाग जाना चाहते थे लेकिन प्लेन उनके लिए नहीं आया होता है, वह दूसरे देश अमेरिका से आया हुआ होता है जो कि वहाँ के अपने नागरिकों और सैनिकों को निकालने के लिए वहाँ पे भेजा गया होता है। इसके साथ ही कई अफगानी प्लेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हवाई अड्डे के बाहर भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। वहीं भारत ने अफगान में फंसे नागरिकों को निकालने का प्रयास जारी रखा है। इसके साथ ही सुबह के 7 बजे इन्होंने 150 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जा चुका है। काबुल में जामनगर पहुंचा वायुसेना का विमान जिससे 150 भारतीय मौजूद थे। अब तक 250 लोग अफगानिस्तान से वहां से निकाले जा चुके हैं और अपने देश भारत लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर भी इनका स्वागत किया गया, जो कि अफगान में फंसे नागरिक थे, एयरपोर्ट पर इनका फूल मालाएँ चढ़ाकर इनका स्वागत किया गया है। यह वही अफगानिस्तान है जहां पर कुछ दिन पहले चैन और अमन शांति थी, लेकिन आज यहां पे लोग इस देश को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। यह वही कार्यालय है जहां पर अफसर गनी बैठकर वार्ताएं करते थे और आज यहां पर यह वही सदन है जहां पर कभी पीएम मोदी जाकर संबोधित करते थे लोगों को और यहां पर आज टेररिस्ट मौजूद हैं। अब सारी एजेंसियां अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस अपने देश बुलाने में लगी हुई हैं। प्राइवेट जेट के द्वारा उनको अपने देश लाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि किस देश पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। नक्शे के द्वारा यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नक्शे में कि जो आप यहां पे रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर देख पा रहे हैं, इन पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। यानी जो येलो कलर का है इन देशों में तालिबान का कब्जा हो चुका है और जो रेड कलर में है वहाँ पे सरकार का अभी भी शासन चलता है। अफगानिस्तान के तालिबान कब्जे पर देखते हुए पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की, जो कि आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि किस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं।